बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उर्दू के हमारे दो लेक्चर्स हो गए थे, आपको बताया था कि जस्ट 5 लेक्चर्स में हमने कोशिश करनी है उर्दू का सारे के सारा सिलेबस कवर कर लें। इन दो लेक्चर्स का आज हमने टेस्ट रखा हुआ था, जो टेस्ट में यहाँ पर मैंने आपके साहब का इम्तहानी जो क्वेश्चन है ना, जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आपके ले गए, तो ये मैंने टेस्ट शेयर किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। मैं आपके सामने टेस्ट सॉल्व कर देता हूँ, आप अपने अपने आंसर इसके साथ टैली कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उर्दू किस जुबान का लफ्ज़ है? अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी या तुर्की? तो इसका दुरुस्त जवाब है तुर्की, तुर्की जुबान का लफ्ज़ है उर्दू। क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू का लफ्ज़ी मानी क्या है? उर्दू का लफ्ज़ी मानी है कलाम, किताब, जुबान या लश्कर? तो दुरुस्त जवाब है लश्कर, लश्कर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दू जुबान के पुराने नामों में से कौन सा नाम शामिल नहीं है? हिंदवी, हिंदुस्तानी, अरबी या किला मौला? तो हिंदवी, हिंदुस्तानी और किला मौला ये सारे के सारे नाम उर्दू के पुराने नाम है, अरबी इसका पुराना नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, उर्दू ज़ुबान का पहला मरकज़ कहाँ था? लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता या हैदराबाद? तो आपको पता है उर्दू ज़ुबान का पहला मरकज़ दिल्ली था, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मीर तकी मीर, गालिब, कुली कुतुब शाह या अमीर खुसरू? तो आपको पता है दुरुस्त जवाब है कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 6 है, उर्दू शायरी के दूसरे दौर का आगाज किस शायर से होता है? गालिब, इकबाल, मीर तकी मीर या फैज़ अहमद फैज़? तो आपको पता है उर्दू शायरी के दूसरे एक दौर का आगाज मीर तकी मीर से होता है, तीसरे का गालिब से, चौथे का इकबाल से और पांचवे का फैज़ अहमद फैज़ से होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबा उर्दू किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर, अब्दुल हक, मिर्ज़ा गालिब या जफर अली खान? तो बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? 1800 में, 1832 में, 1857 में या 1900 में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में जो ये कायम हुआ था, 1800 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, उर्दू के मशहूर पहले अखबार ज़मींदार के एडिटर कौन थे? हफीज़ जलंधरी, मौलाना शिबली नुमानी, जफर अली खान या डॉक्टर गिलगिरिस? तो आपको पता है उर्दू के मशहूर पहले अखबार जो है, जो पहला अखबार है उर्दू का ज़मींदार, उसके जो एडिटर हैं जफर अली खान थे, जफर अली खान। क्वेश्चन नंबर 10 है, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? मीर तकी मीर, गालिब, इकबाल या फैज़ अहमद फैज़? तो खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उर्दू में हरूफ तहजी की तादाद कितनी है? 29, 37, 47 या 52? तो आपको पता है 37 होती है। उर्दू में आवाज़ों की तादाद कितनी है? 29, 37, 47 या 52? तो आपको पता है उर्दू में आवाज़ों की तादाद 47 होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरूफ इल्लत कौन से हैं? हरूफ इल्लत अलिफ बे जीम दाल, अलिफ वाओ छोटी ये बड़ी ये, ता सा जीम हा, काफ लाम मीम नून? तो आपको पता है हरूफ इल्लत होते हैं अलिफ वाओ छोटी ये और बड़ी ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरबी ज़ुबान के हरूफ की तादाद कितनी है? अरबी ज़ुबान के हरूफ की तादाद 29, 37, 47 या 52? तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर है 29। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऐसा कलमा जो अकेला कोई वाज़ह मानी नहीं रखता क्या कहलाता है? इसम, फेल, हर्फ या कलमा? तो आपको पता है यह हर्फ होता है, हर्फ। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरूफ शमसी की तादाद कितनी है? हरूफ शमसी की तादाद आपको पता है 13 है, 13 शमसी 13 और कमरी 14 होते हैं। हरूफ कमरी की तादाद कितनी है? 14, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, लफ्ज़ की तारीफ क्या है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ, मुँह से निकली हुई आवाज़, बेमानी कलमा या बामानी कलमा? तो आपको पता है लफ्ज़ होता है मुँह से निकली हुई आवाज़ को हम लफ्ज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेमानी लफ्ज़ क्या कहलाता है? कलमा, इस्म, फेल या मुखमल? तो आपको पता है बेमानी लफ्ज़ जो मुखमल कहलाता है, मुखमल। क्वेश्चन नंबर 20 है, बामानी लफ्ज़ क्या कहलाता है? हरफ, फेल या कलमा? तो बामानी लफ्ज़ कलमा कहलाता है, कलमा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जुमला की तारीफ करें। जुमला क्या होता है? एक लफ्ज़ या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ, बेमानी कलमा या हरफ? तो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जुमला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसम की अकसाम में से कौन सी किस्म शामिल नहीं है? इसम मारफा, इसम नकरा, इसम फेल या इसम जामद? तो आपको पता है इसम फेल कोई है, कोई किस्म नहीं होती, बाकी सारी इसम की इकसाम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें अलम की इकसाम कितनी है? इसम अलम की इकसाम 5 होती हैं, 5, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस किस्म के नाम को लकब कहते हैं जो लाड प्यार या नफरत की वजह से मशहूर हो जाए? ये तो उर्फ होता है, ये लकब नहीं होता। जो किसी कौम की तरफ दिया जाए, ये तो खिताब होता है, जो हुकूमती खूबी की बना पर दिया जाए ये खिताब होता है, और जो किसी कौम की तरफ दिया जाए ये लकब होता है, ठीक है जी। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जो किसी कौम की तरफ से दिया जाए वो लकब होता है, ठीक है जी। जो खूनी रिश्तेदार की नस्बत दिया जाए वो कुनियत होती है, कुनियत, ठीक है। तो आपका ये जो है ना बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है,
फेल की कितनी इकसाम है? फेल की तीन इकसाम होती हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरफ की कौन सी किस्म वजाहत के लिए इस्तेमाल होती है? तो हरफ बयान, बयान ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 27 है, तलमी क्या है? सवालिया कलमा, इस्लामी वाक्या, कुरानी आयत या हदीस की तरफ इशारा करने वाले अल्फाज, कलाम में तशबीह देने वाले हरफ, किसी चीज़ के तल्लुक की कैफियत बयान करने वाले हरफ। जो है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इस्लामी वाक्या, कुरानी आयत या हदीस की तरफ इशारा करने वाले अल्फाज। क्वेश्चन नंबर 28 है, गज़ल का मतलब क्या है? शेर का पहला मिसरा, औरतों से बातें करना, शेर का आखिरी मिसरा, इनमें से कोई नहीं। तो औरतों से बातें करना गज़ल का मतलब होता है। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? गज़ल का पहला शेर मतला, मतला तुलू से, तुलू जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30 था, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो क्या कहलाता है? आप ये मक्ता कहलाता है, मक्ता, मक्ता, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।